आजकल के सारा टाइम हमारा स्टूडियो में जा रहा है। एक्चुअली ना हम लोगों ने गुंजन को अपनी सोसाइटी में बुला लिया GTM, तो अब हम जब हमारा मन करता है हम चले जाते हैं सुबह शाम दिन रात, और कोई एक्सक्यूज नहीं रहता, फोन उठाने का झंझट ही खत्म हो गया। अब सीधा उसके घर पहुंच जाओ। ठीक है, ये आ गए गुंजन जी, हेलो कर दो। तो ये है आयुष कपरवान, जो हमारे सभी गानों में हारमोनियम के पार्ट जो आप सुनते हैं वो आयुष ही बजाता है सारे, और बहुत बढ़िया गाता भी है और बहुत बढ़िया हारमोनियम भी प्ले करता है। तो आयुष आपको कुछ सुनाएगा बढ़िया सी चीज। और गाइस हमारा सुल्तान संग्राम सीजन 5 चल रहा है, तो फटाफट से आप एंट्री भेजिए, 30 तारीख तक लास्ट डेट है, और विनिंग प्राइज है, एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ये हमारा घर जहाँ हम रहते हैं, और फटाफट से आप एंट्री भेजिए। व्लॉग बहुत सारे हमें DMs आ रहे हैं कि आपके व्लॉग रेगुलर क्यों नहीं आ रहे हैं। हमारे व्लॉग्स रेगुलर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि बंच ऑफ सॉन्ग्स हैं जिनकी रिकॉर्डिंग पे जाना पड़ता है, और रिकॉर्डिंग पे व्लॉगिंग थोड़ा सा हार्ड हो जाती है बिकॉज पूरा पैक्ड रहता है, आप म्यूज़िक रिवील नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रिवील नहीं कर सकते हैं। तो बस जैसी चीज़ें होने लग जाएंगी फिर रेगुलर व्लॉग्स आने लग जाएंगे। सो आयुष को हम लोग छोड़ चुके हैं उसके घर, और इन भाई साहब की कुछ डिमांड है, आइए आइए आइए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मेरी डिमांड तो भाभी ने बताई, इससे पहले बताइए आपने नहीं बताई। मेरी डिमांड ये है कि हम मोमोज खाने जा रहे हैं अच्छे वाले, और रोहित भाई इसमें खिला रहे हैं मोमोज, वो भी कभी खुद मत बोलना ना कि भैया आज मैं खिला रहा हूँ चिकन मोमोज खिला रहे। नहीं भाई जी, मैंने कल खिलाए तो थे, अगर आप भूल गए होंगे तो मैं कल कौन सा मोमोज समोसे खिलाए थे रोहित भाई को, वो भी टेस्टी वाले। मैं सो रही थी ना, भाभी सो रही थी, मैं भाभी को उठाने में आया था लेकिन भाभी उठी नहीं। मैं मेरा अब इसने सोने की बात करी है तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ, मतलब सुबह उठने के 2 घंटे तक तो मेरे को होश नहीं रहता, ठीक है, मतलब पहले मेरी आँख खुलेगी, फिर मेरा दिमाग, फिर मेरी आत्मा, और मैं पूरी तरह उठती हूँ उठने के 2 घंटे बाद। उस टाइम पे बात करता है तो गुस्सा भी मेरे को बहुत, और सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब 5-6 बजे सुबह सुबह शूट पे निकलना होता है या फिर कहीं ट्रैवल करना होता है, सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तभी आता है। और सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब अब्बू भाई सुबह 4 बजे फोन कर देते हैं, मतलब कहीं भी जाना और सुबह सुबह उठना हो तो 1-2 घंटे तक तो कोई भी मुझसे बात नहीं करता क्योंकि मैं उल्टा जवाब ही देती हूँ सबको, इसलिए सबको पता चल गया कि सुबह सुबह मुझसे ज्यादा लोग बात नहीं करते। इसीलिए हम जो सुबह का नाश्ता होता है वो हम पहले ही 12 बजे कर लेते हैं ताकि हमें उठ के खाना ना पड़े। खुद ही दुष्प्रचार कर रहे हो लोगों के सामने, नहीं तुम्हें कोई अपने घर बुलाए भी ना। गाइज अभी हमें नेहरू कॉलोनी, और आप ऑलमोस्ट दुकानें बंद होने के टाइम हो गया है तो सब अपने अपने घर निकल रहे हैं, तो हम लोगों ने भी बहुत जल्दी से अरे ऑर्डर दिया और मोमोज आ भी गए।
मैं बहुत फास्ट काम करता हूँ और इसीलिए मेरे से डरते हैं सब लोग यहाँ। पता नहीं कितने दिनों बाद मोमोज के दर्शन। मैमूस ये मोमोज हैं नेगी कुरकुरे हॉट अंगीठी के। और वाओ गाइस ये वाला टाइट पोर्शन है इनका। पर बहुत अच्छे मोमोज हैं। पीछे भी खा रहे हैं। मजा आ गया कसम से। रोहित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत टाइम बाद मोमोज खाने को मिले। गाइस इनकी फिलिंग बहुत ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया। जो उनका बाहर का क्या बोलते हैं मामी से, जो क्रस्ट जो भी बाहर का होता है, हाँ मैदा होता है, वो थोड़ा मोटा है, हालांकि चलेगा, पर जो इनका फिलिंग अच्छी है, फिलिंग अच्छी, फिलिंग ने इनके जो बाहर का मैदा होता है वो बचा लिया। 10 में से 10। और ना हमेशा ना मुझे वो मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। भैया एक कोक भी दे देना छोटी। हाँ जिन मोमोज में ना हल्का सा अदरक का फ्लेवर आता है, देख लीजिए कुरकुरे मोमोज। ये हैं कुरकुरे मोमोज। ये भी भैया ने मेरे लिए मंगाए हैं। भैया पकड़ के बैठे हैं। इनमें किसी भी मोमोज में अगर हल्का सा उसका फ्लेवर आएगा ना जिंजर का, तो वो बहुत टेस्टी होते हैं। वो और सिर्फ मोमोज में नहीं, हाँ हर चीज में, चिकन में, चिल्ली चिकन में भी, हर चीज में। मतलब आप थोड़ा अदरक और लहसुन अगर डालते हैं तो उसका टेस्ट ही बदल जाता है पूरा। बट बैलेंस होना चाहिए, ना आप एक्स्ट्रा अमाउंट में डालें ना आप कम अमाउंट में। लेकिन अगर आप वो दोनों सेफ जरा ज्ञान कम दो नहीं और मोमोज खा। भाई रिव्यू तो हम ही करेंगे ना, ग्राहक ही तो रिव्यू करेगा। अगर ग्राहक रिव्यू नहीं करेगा तो मैं ये चीज छोड़ देती हूँ। हाँ हाँ जो हम छोड़ी हुई चीजें मैंने वापस कर देते हैं, ये उसमें दोबारा स्टफ करके पैसा वापस भी करते हैं। जब हम दोबारा आते हैं तो वो उसमें स्टफ करके दे देते हैं। हमारी अच्छी बात है। कुरकुरे मोमोज मुझे बहुत हैवी लगते हैं। और कुरकुरे मोमोज में एक मुझे डिसएडवांटेज लगता है कि इनकी जो लेयर होती है ना उसके अंदर वाले जो ये वाले मोमोज में ही वो लोग मैदा और कॉर्नफ्लेक्स करके डीप फ्राई करते हैं। कभी कभी अंदर का ये बहुत कच्चा रहता है। बहुत बार तो मैंने पैसे वापस लिए है ना रोहित। और मुझे तब बहुत शर्म आई है। इसमें शर्म की क्या बात है, एक बात बताओ, जब आप किसी चीज के लिए पे कर रहे हो और वो चीज आपको अच्छी नहीं मिल रही है तो ऑब्वियसली बात है आप उसको काफी अच्छे से लेते हैं। इस ब्रांड को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये कोका कोला जो ब्रांड है, पानी और कोका कोला, ये देखो इस यही चक्कर। अब मैं का सोच रहा हूँ अगर मैं इसे यहाँ से उठा के पीछे रख देता हूँ और पानी आगे रख देता हूँ तो कुछ नहीं होगा। ये देखो हमसे मार लग जाएगा भाई जी। हमने क्या बिगाड़ा जो अगर मैं कुरकुरे मोमोज नहीं खा रहा। एक भी नहीं खिलाओगे? मैं एक हाथ यही खाऊंगा। मेरा एक डाउट है, जो मुकबंग्स वाले चैनल होते हैं उनकी डेली एक एक वीडियो जाती है और इतना सारा खाना खाते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती होगी, हेल्थ इश्यूज नहीं होते होंगे? बट वो फिर मैनेज करते होंगे ना। हाँ जी, तो मोमोज पार्टी आज की हो गई है डन। और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी सोसाइटी में। मोमोज थोड़े से ज़्यादा खा लिए तो अब थोड़ा सा टहल लेते हैं। थोड़ा टहलना पड़ेगा, उसके बाद घर जाएंगे। मैं पबजी खेलूंगा। शालू अपनी कौन क्या देखता आप, एक्सप्लेनेशन क्या देखता आप? मैं थोड़ा सा आजकल डॉक्यूमेंट्रीज और वो सब देखती हूँ, बट मैं पबजी खेलूंगा। और बाय बाय, टेक केयर। रोहित बाजी को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। यस, बाय 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 बाय।